और अब बहुत मुख्तसर वक्त बाकी है, या तो 29 रोजे मुकम्मल हों, चांद नमूदार हो जाए, या 30 रोजे मुकम्मल हों तो ईद मनाई जाए। अब माह रमजान का, खुदा की रहमतों का पैकेज खत्म होने में अब सिर्फ इंसान के पास इतने दिन बाकी रह गए कि 28 रोजा मुकम्मल करे तो 29 या फिर 30। अगर अभी तक हमने फायदा नहीं उठाया तो जितना कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, जितना खुदा की बारगाह में तौबा और दुआ कर सकते हो, ये बिल्कुल आखिरी अय्याम बाकी हैं। इससे पहले के ईद की रात नमूदार हो जाए, मुझे और आपको माह रमजान की बरकतों से फायदा उठा लेना चाहिए। एक एक सेकंड माह रमजान का बहुत कीमती है। सांस लेना तस्बीह के बराबर बस इसी महीने में, सोना इबादत बस इसी महीने में है। चांद ईद का नमूदार हुआ, अब सोना सोना होगा, इबादत नहीं होगा। ईद का चांद नमूदार हुआ, सांस सांस हो, तस्बीह के बराबर नहीं होगा। ईद का चांद नमूदार हुआ तो एक आयत के बदले 10 आयतों का सवाब, अभी एक आयत के बदले पूरे खत्मे तिलावत कुरान का सवाब। या इंसान अगर देखना चाहे तो फिर दोबारा याद करे सरकार खत्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे। इस माह मुबारक में दो ईद तुम्हें दावत दी गई है खुदा की बारगाह की तरफ के लाजियाफतिल्लाह, अल्लाह के मेहमान हैं चांद रात तक। चांद नमूदार हुआ ईद का, अब आप जाने और आपके मसाइल जाने। शैतान जो गिरफ्तार था वो चांद रात में रिहा हो जाएगा, जो दरवाजे जन्नत के खुले थे वो चांद रात में बंद हो जाएंगे, और जहन्नम के दरवाजे बंद थे वो चांद रात में खुल जाएंगे। और अजीब बात है, मोमिन चांद रात का इंतजार करे या मोमिन माह रमजान के जाने पर दुआए विदा के साथ माह रमजान को सलाम पेश करें।